ये चल क्या रहा है तुम्हारे और उस चूटा के बीच में? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो चाय ही चल रही है। और ये गजरे किसने दिए? उसी ने दिए। ट्यूटर ने? हाँ, पर किसी गलत इरादे से नहीं दिया उसने। हमारे मर्दों के इरादों का ना कुछ पता नहीं चलता है। बस तुम इस बात पर गौर जरूर करना कि वो तुम्हें किस बात का ट्यूशन देना चाह रहा है। अभी मैरिड है वो, और वो भी एक बच्ची का बाप। बच्चों के बाप की कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्या? यंग है वो, हैंडसम है, और सबसे बढ़ के सिंगल है। हाँ, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। ये बात हम तुमसे हमारे बीच कब पहुंच गई? पता, तुम्हारे भाई ने ना मुझे पहली बार गजरे ही दिए थे। अच्छा ना भाभी, कोई बात नहीं, सब कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने अप्लाई किया है, शायद दोबारा जाना पड़े कहीं। देखो, तुमने दिल लगा के पहले वो करना है जो तुम्हारा ख्वाब है। ये सब कुछ तो फिर होता ही रहा है, आपको पता तो है भाभी, मेरा तो शुरू से यही रहा है। हेलो 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 हेलो, ये क्या सीन है भाई? हाँ, ये क्या तुम लोगों ने लॉन को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए आज? ऑफ है दो दिन अब्बा। अच्छा रूमी बेटा, भाई ये लो मेरे फोन पर, अपनी मदर से बात कर लो, सुबह से दो बार कॉल आ चुकी है। क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बॉयकॉट चल रहा है? पिछले तीन दिन से सोशल मीडिया पे भी गायब हो। पाप बाबूजान ने फोन ले लिया हम दोनों के, समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे स्पेंड करें, खेलेंगे? देखो बेटा, टाइम पास के लिए इन गैजेट्स का होना मत मानो, इससे जरा बाहर निकल कर देखो, ये दुनिया, ये लोग बहुत प्यारे हैं, समझे? जरा पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दो। जी अब्बा हुजूर। मैं जरा तुम्हारी मामा को देख कर आता हूँ। सही है। आशु, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सालन में से स्पेशल बोटी निकाली है तुम्हारे लिए, और बनाए भी मीजान में। थैंक यू जजी। कैसा है? बहुत आला, इतना ही बनाया बस। हाँ ना, स्पेशली तुम्हारे लिए जो बनाया है। थैंक यू जजी। मेरा बच्चा बहुत आला।